सभी को खुदावन यीशु के नाम में जय मसीह की आज की शाम के लिए, आज के दिन के लिए प्रभु को हम कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं कि प्रभु ने आज का दिन या आज की शाम हमारे जीवनों में दी है। प्रभु को धन्यवाद। और आप सबों के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ रही हैं, जो जुड़ चुके हैं। प्रभु उन सबों को स्वर्ग से बड़ी आशीष दे। आज की वर्शिप, आज की आराधना, आज का कलाम आप सबकी जिंदगियों के लिए बड़ी बरकत और बड़ी बेहतरी का कारण होने पाए। हम सब दुआ में जाएंगे। बहनों के से ठगे होने चाहिए। सर्वशक्तिमान और दयालु अनुग्रहकारी जीवित महान दयालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, जीवन की रोटी, जीवन की ज्योति है पिता परमेश्वर। हो खुदावन, आप हमारे अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर हैं। आप विलंब से क्रोध करने वाले हैं। ओ पिता परमेश्वर, आप अपने बच्चों को ना कभी छोड़ने वाले और ना कभी त्यागने वाले हैं। प्रभु हम आपको सदा तक धन्यवाद कहने वाले बने। हमारे जीवनों में खुदावन ऐसी आशीष भर दे, ऐसी बरकत भर दे, ऐसी कुवत भर दे, ऐसी खुदावन हमें दिल, ऐसे हमारी सोच, ऐसे हमारे विचार, ऐसे हमारा मन कर दीजिए ताकि पिता परमेश्वर हम हमेशा हमेशा तुझे भाते रहे पिता परमेश्वर, और हमारे जीवनों से तेरे नाम को महिमा और जलाल मिलने पाए। धन्यवाद प्रभु जी, जब तेरे बच्चे गाते हैं, बजाते हैं, खुदावन किसी इंसान को जलाल ना मिले, खुदावन केवल और केवल आपके बेटे यीशु को महिमा और जलाल मिलने पाए, क्योंकि खुदावन आप ही आदर और महिमा और जलाल के योग्य हैं। धन्यवाद प्रभु जी। आगे तक जब वचन का समय आता है, वचन पर भी तेरी आशीष मांगते हैं। आज के कलाम के वसीले, वचन के वसीले खुदावन आप अपने लोगों से बातचीत करना ताकि तेरे नाम को महिमा और जलाल मिलने पाए। सारे नेटवर्क सिस्टम को, वर्शिप टीम को, मीडिया टीम को आपके पवित्र हाथों में देते हैं। प्रार्थना वो यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत भजन गाएंगे। आप ताली बजा के प्रभु की महिमा कर सकते हैं अपने घरों में बैठे हुए जहां भी हैं। सो प्रभु आप सबों को आज की शाम में बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अब सब कुछ एमसी की और आइए प्रभु की महिमा से गीत गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने टाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान।
सचमुच हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है जिसका हम शब्दों से बयान भी नहीं कर सकते। आए हम दुआ में जाएंगे। सभी जन अपनी आंखों को बंद कर लें और बहनों के सिर ढके होने चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान पयान परमेश्वर, अनुग्रह करें परमेश्वर, पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, ओ खुदावन, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा परमेश्वर, आपका शुक्रिया करते हैं। प्रभु के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महानता के लिए, आपकी कृपालुता, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरे बच्चों ने गीत भजन गाए, उसके द्वारा खुदावन तेरे नाम को महिमा और जलाल मिलने पाए। धन्यवाद प्रभु जी। अब जब हम तेरा वचन सुनने जा रहे हैं खुदावन, आप अपने वचन के वसीले हम सबसे, प्रत्येक जन से, छोटे से लेकर बड़े से लेकर खुदावन सब के साथ बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि आज का कलाम, आज का स्वर्गीय मन्ना हम सबकी जिंदगियों के लिए बड़ी आशीष और बड़ी बरकत लेकर आए। धन्यवाद प्रभु जी। सारे नेटवर्क सिस्टम को आपके सामर्थी हाथों में दे देते हैं खुदावन, तेरे नाम को महिमा और जलाल देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप फिर से आप सबको जय मसीह की सलाम। सो प्रभु का धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं कि आप सब लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगे भले होंगे,
प्रभु यीशु मसीह आप सबको स्वर्ग से बड़ी आशीष दे, स्वर्ग से बड़ी बरकत दे, और आप सब जन प्रभु में बढ़ते चले जाएं, ऐसी हमारी कामना है, ऐसी हमारी प्रार्थना है आप सबों के लिए। हालेलुया। आइए हम आज के कलाम की ओर, आज के वचन की ओर बढ़ेंगे। सो जैसे कि आज का वचन का विषय आपको पता है, नीति वचन की किताब 5 अध्याय उसकी 21 आयत, नीति वचन 5 अध्याय उसकी 21 आयत। क्योंकि मनुष्यों के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं जी, और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है जी। नीति वचन 5 अध्याय उसके 21 आयत में हमने पढ़ा, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। हालेलुया। वचन में हमने क्या पढ़ा, सुलेमान बादशाह क्या कहता है कि मनुष्य के मार्ग यानी कि मनुष्य का रास्ता, मनुष्य के काम, मनुष्य की जीवन शैली, मनुष्य का रहन सहन जो है, मनुष्य की बातें जो है, वो परमेश्वर की दृष्टि से यानी कि परमेश्वर की आंखों से छिपी नहीं है। हालेलुया। सो वचन हमें स्पष्ट कहता है मनुष्य का मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। हालेलुया। परमेश्वर उसके सब मार्गों का मतलब चाहे वो अच्छे हैं, चाहे वो बुरे मार्ग हैं, चाहे वो उसके जीवन के कैसे भी मार्ग हैं, परमेश्वर सब कुछ जानता है। वो थोड़े पर नहीं बल्कि सब मार्गों को जानता है। ऐसा नहीं कि वो हमारे अच्छे अच्छे मार्गों को जानता है और हमारे बुरे मार्गों को नहीं जानता, नहीं। वचन कहता है कि वो हमारे सब मार्गों पर क्या करता है, अपना ध्यान देता है, यानी कि हमारे जीवन की अच्छी बातों पर भी, हमारे जीवन की गलत बातों पर भी, हमारे जीवन के अच्छे कामों पर भी, हमारे जीवन के गलत कामों पर भी वो क्या करता है, ध्यान धरता है। हालेलुया। सो याद रखिए, आप दुनिया से, समाज से, अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने बुजुर्गों से, या पढ़ने वाले बच्चे जो है अपने अध्यापक से, या ड्यूटी करने वाले एम्प्लॉयज अपने बॉस की नजरों से कुछ भी छुपा सकते हैं। हालेलुया। पर उनकी एब्सेंस में वो कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि उनकी नजरों से ओझल होके वो कुछ भी काम कर सकते हैं, यानी कि उनकी आंखों में वो धूल डाल सकते हैं। पर याद रखिएगा, परमेश्वर की आंखों के सामने हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। हालेलुया। जो परमेश्वर की आंखों से बेपर्द हो, यानी कि परमेश्वर की आंखों से हमारे कोई भी जो काम है वो छुपे नहीं है। परमेश्वर की आंखों के सामने हमारे सारे के सारे काम जो हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, वो बेपर्द हैं। हालेलुया। हम अपनी पत्नी से कुछ छुपा सकते हैं, हम अपने पति से कुछ छुपा सकते हैं, हम अपने बच्चों से कुछ छुपा सकते हैं, अपने परिवार से कुछ छुपा सकते हैं, एम्प्लॉयज अपने बॉस से कुछ छुपा सकते हैं, पढ़ने वाले बच्चे अपने अध्यापक से कुछ भी छुपा सकते हैं। पर याद रखिए, उस जीवित परमेश्वर की निगाह से, उस जीवित परमेश्वर की आंखों से हम कभी भी बच नहीं सकते। हालेलुया। सो वचन में स्पष्ट लिखा है भजन संहिता की किताब में, जिसने आंखें रची है क्या वे खुद नहीं देखता। जी हाँ, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, हमारे शरीर को बनाया है, हमारी रचना करी है, हमारी सृष्टि करी है, यानी कि हमें सब कुछ, हमारी आंखों को बनाया है, हमारे कानों को बनाया है, हमारे मुंह को बनाया है, हमारे पूरे जीवन को बनाया है, क्या वो परमेश्वर खुद नहीं देखता। जिसने हमारी आंख की सृष्टि करी है, जिसने हमारी आंखें बनाई हैं, क्या वो परमेश्वर खुद नहीं देखता। जी हाँ, वो परमेश्वर सब कुछ देखता है। हालेलुया। हम दुनिया की नजरों से कुछ भी छुपा करके कर सकते हैं और करते भी हैं। बहुत सारे समाज के लोग, बहुत सारे विद्यार्थी लोग, बहुत सारे एम्प्लॉयज लोग अपने बॉस से छुपा करके बहुत कुछ करते हैं और कर भी सकते हैं और करते भी रहेंगे और पहले बहुत कर भी चुके हैं। हालेलुया। पर उस जीवित परमेश्वर की निगाह से हम कुछ भी छुपा नहीं सकते।
आप दुनिया के सीसीटीवी कैमरे से छुपाकर कुछ भी कर सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे के अगर आप ही गए अंदर तो आप उसकी फुटेज को डिलीट भी कर सकते हैं। पर याद रखिए, परमेश्वर की निगाह के सामने जो हमने काम कर दिया, चाहे वो हमारे अच्छा काम था चाहे वो हमारा बुरा काम था, वो कभी भी मिटने वाला नहीं है। हालेलुया, यानी कि वो काम कभी भी छुपने वाले नहीं हैं। सो याद रखिए, कोई भी इंसान जो पाप करता है, गलती करता है, परमेश्वर की निगाह के सामने, जो परमेश्वर की आंखों के सामने गलती कर लेता है, अगर वो अपने अपराधों को मान लेता है, छोड़ देता है, बाइबल कहती है उस पर दया की जाएगी। सो याद रखिए, अगर आप परमेश्वर की आंखों के सामने कोई गलत काम कर करके जो परमेश्वर की निगाह में परमेश्वर के वचन के सामने घृणित है, अगर आप उसको करके पश्चाताप करते हैं, सच्चे हृदय से तौबा करते हैं, तो वचन कहता है कि वो आपको माफ करने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया, यानी कि माफ करने की, क्षमा करने की हमारे परमेश्वर के पास शक्ति है कि वो आपको माफ कर सके। हालेलुया, वरना अगर हम पाप करते रहें और अगर हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप ना करें, तौबा ना करें, और हमारी जो गलत काम है वो परमेश्वर की निगाह में बढ़ते जाए, तो याद रखिए परमेश्वर एक दिन उन सारी चीजों का, उन सारे कामों का, उन सारी बातों का हमसे जोर लेखा लेगा। हालेलुया। सो हम बात कर रहे थे सीसीटीवी कैमरे में जो हम कुछ भी छुपा सकते हैं, कुछ भी अगर सीसीटीवी कैमरा कहीं लगा है तो हम जो है उसकी सिस्टम को उतार सकते हैं ताकि हम सीसीटीवी कैमरे के सामने ना आए। पर याद रखिए, परमेश्वर का जो सीसीटीवी कैमरा है वो 24 घंटे चलता रहता है। हालेलुया, ना तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं, ना उसकी जो सीसीटीवी उसकी परमेश्वर की आंखों से हम कुछ भी छुपा सकते हैं। हालेलुया। सो याद रखिएगा, जब भी आप गलत काम करते हैं, जब भी आप कोई बुरा काम करते हैं, जब भी आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ कार्य करते हैं, तो याद रखिए परमेश्वर की आंखें आपको सदैव देखती रहती हैं। यानी कि परमेश्वर की आंखें निरंतर आप पर लगी रहती हैं, चाहे आप धर्मी हैं चाहे आप अधर्मी हैं। हालेलुया। सो नीति वचन 15 अध्याय उसकी 3 आयत में देखिए वचन क्या कहता है। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं जी, वे बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं जी। वचन हमें स्पष्ट कहता है कि यहोवा की आंखें कुछ स्थानों पर नहीं, थोड़े स्थानों पर नहीं, या अच्छे स्थानों पर नहीं, या बुरे स्थानों पर नहीं, बल्कि क्या लिखा है, यहोवा की आंखें सब स्थानों पर लगी रहती हैं। हालेलुया, यानी कि परमेश्वर की निगाहें, परमेश्वर की आंखें इतनी बड़ी हैं कि वो सब स्थानों पर लगी रहती हैं। हमारी सिर्फ दो ही आंखें परमेश्वर ने बनाई हैं। हालेलुया, हम सिर्फ आगे ही आगे देख सकते हैं, जो हमारी आंखों के सामने है हम सिर्फ उसको देख सकते हैं, पर जो हमारे पीछे है हम उसको कदापि नहीं देख सकते। हालेलुया, सो अन्य अन्य तरीकों से हम उसको बेशक देख ले, पर जो हमारे परमेश्वर ने दो आंखें दी हैं वो सिर्फ फ्रंट की आंखें दी हैं। हालेलुया, ताकि हम आगे को देख सकें। पर वचन कहता है कि यहोवा की आंखें सब स्थानों पर लगी रहती है, वो दाएं पर भी लगी रहती है, बाएं पर भी, आगे भी, पीछे भी, यानी कि सब जगह पर लगी रहती हैं। वह बुरे और भले दोनों को देखती रहती हैं। परमेश्वर की आंखें जो हैं, परमेश्वर की जो निगाहें हैं, वो बुरे पर भी और भले दोनों को देखती रहती हैं। हालेलुया, सो याद रखिएगा, जब भी आप भले काम करते हैं तो परमेश्वर आपको देख रहा होता है, जब भी आप बुरे काम कर रहे होते हैं तो परमेश्वर आपको तब भी देख रहा होता है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर जो है हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, वो हमें सब जगह पर देखता है। जब हम भले कार्य करते हैं वो भी अच्छी रीति से देखता है, जब हम बुरे काम करते हैं तो भी वो अच्छी रीति से देखता है। हालेलुया, परमेश्वर ने इंसान की रचना करी, परमेश्वर ने इंसान को बनाया अच्छे कामों के लिए, बनाया भले कामों के लिए बनाया, ताकि जिससे हमारे परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, हमारे परमेश्वर के नाम को जलाल मिले। हालेलुया, अगर हम उसके पसंद के काम ना करके अपने ही पसंद के कार्य करें, अगर हम उसके इच्छा के मुताबिक काम ना करके अगर हम अपनी
इच्छा से काम करें, अगर हम उसको खुश ना करने वाले काम करके अपने ही मर्जी के खुश होने वाले काम करें, तो याद रखिएगा वो परमेश्वर हमसे इस चीज का लेखा जरूर लेगा। हालेलुया। सो मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी के अंडर काम करता है, सो वो व्यक्ति क्या करता है, अपनी इच्छा के अनुसार जो उसकी पसंद को अच्छा लगता है, जो उसके दिल को अच्छा लगता है, जो उसके मन को अच्छा लगता है, अगर वो वही कार्य करता है तो याद रखिए वो अपने अगर मालिक के पसंद का काम नहीं करता तो मालिक उससे कभी भी खुश नहीं होगा। हालेलुया। सो जिस तरीके से वो मालिक जिसके अंडर में वो व्यक्ति वो इंसान काम करता है, अगर वो उसकी पसंद का काम नहीं करता तो मालिक उससे कभी भी खुश नहीं होगा। सो उसी तरह से जीवित परमेश्वर जिसने हमारी सृष्टि की है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें रचा है, अगर हम उसकी पसंद का काम ना करके अपने ही पसंद का काम करेंगे तो वो परमेश्वर हमसे कभी भी खुश नहीं होगा। हालेलुया। सो वचन में लिखा है सबको एक दिन अपना हिसाब किताब देना पड़ेगा, सबको अपने अच्छे कामों का, सबको अपने बुरे कामों का, अपनी बुरी बातों का, अच्छी बातों का, अच्छे कामों का, बुरे कामों का, सबको एक दिन हिसाब किताब देना पड़ेगा, यानी कि सबको एक दिन उसका लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। हर एक अच्छे काम का भी और हर एक धरती पर जो जितने बुरे काम करता है उसका भी हमें परमेश्वर को एक दिन यानी कि न्याय के दिन लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। अगर हम यिर्मयाह की किताब 16 अध्याय उसकी 17 आयत में देखें तो वचन हमें क्या बताता है, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है जी, वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है जी, ना उनका अधर्म मेरी आंखों से छिपा नहीं है और ना उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है जी। वचन क्या कहता है, यिर्मयाह की किताब 16 अध्याय उसकी 17 है, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने क्या है, प्रकट है, मेरी आंखों के सामने है, वह मेरी दृष्टि से छिपा हुआ नहीं है। देखिए वचन कहता है कि जो इंसान का चाल चलन है वो मेरी दृष्टि से छिपा हुआ नहीं है, यानी कि मेरी आंखों से बिल्कुल भी विपरीत नहीं है, वो मेरी आंखों के सामने ही है, ना उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। जितने भी इंसान अधर्म के काम करते हैं, गलत काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, परमेश्वर की निगाह की वजह से जो घृणित काम करते हैं वो क्या है, वो परमेश्वर की आंखों के सामने छिपे हुए नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं उनके अधर्म का, उनके गलत कामों का, उनके पापों का, उनके अपराधों का, उनके बुरे कामों का क्या करूंगा, उनके पाप का मैं दूना दंड उसे दूंगा, यानी कि दुगना करके दंड दूंगा। तो याद रखिए प्रिय लोगों, अगर हम परमेश्वर के पास आ गए हैं, अगर हमने परमेश्वर की सच्चाई को देख लिया है, जान लिया है, परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देख लिया है, परमेश्वर के चमत्कारों को अपने जीवन में देख लिया है, अगर हम अपने आप को मसीह कहलाते हैं, अगर हम समाज में अपने आप को मसीह कहलाते हैं कि हम तो मसीह के घर में जाने वाले हैं, हम मसीह के घर में सेवा करने वाले हैं, हम तो हर संडे संगत में जाने वाले लोग हैं, तो याद रखिए अगर आप उन अपने आप को मसीह कहला करके प्रभु के घर में जाने वाले कहला कर अगर आप पाप करते हैं, अगर आप परमेश्वर की आंखों के सामने अपना ऐसा चाल चलन रखते हैं जो परमेश्वर की निगाह में ठीक नहीं है, तो याद रखिए वचन क्या कहता है, इसलिए मैं उनके अधर्म का, उनके पापों का, उनके गलत मार्गों का, उनके गलत कामों का क्या करूंगा, दूना करके, दुगना करके दंड दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर को इस चीज से बड़ी नफरत है जो लोग अपने आप को परमेश्वर के कहलाकर, मसीह के कहलाकर गलत काम करते हैं, परमेश्वर की निगाह में घृणित काम करते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को दूना करके दंड देगा। हालेलुया। आप सोचते होंगे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत मार्गों में पड़े हुए हैं, गलत कामों में पड़े हुए हैं, आप सोचते हैं उनको भी तो दंड मिलेगा। सो याद रखिए उन्होंने अगर परमेश्वर की सच्चाई को नहीं जाना, परमेश्वर पर अभी विश्वास नहीं किया, अपने आप को मसीह नहीं कहलाते, परमेश्वर को उनके ऊपर उतना गुस्सा नहीं जितना कि उन लोगों के ऊपर, उन अपने विश्वासियों के ऊपर, उन अपने मसीह लोगों के ऊपर गुस्सा आएगा जो अपने आप को परमेश्वर के कहला करके समाज में गड़बड़ी करते हैं, यानी कि समाज में परमेश्वर के नाम को बदनाम करते हैं, समाज में परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने की बजाय वो परमेश्वर के नाम को बदनाम करते हैं, तो परमेश्वर को ऐसे कामों से, ऐसे लोगों से बहुत ही नफरत है। हालेलुया।
इब्रानियों की किताब 4:13 इब्रानियों की किताब 4:13 सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है। जी वचन क्या कहता है, सृष्टि की कोई भी वस्तु कोई भी चीज जो है उससे छिपी हुई नहीं है। वरन जिससे हमें काम है, बल्कि जिससे हमें काम है उसकी आंखें आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली हैं और प्रकट हैं। हालेलुया। हम अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने बुजुर्गों से सब कुछ छुपा सकते हैं, लोग छुपाते भी हैं। सो याद रखिए, पर परमेश्वर की आंखों से हम कुछ भी अपने जीवन का एक सेकंड भी छुपा नहीं सकते। हालेलुया। हमारे जीवन का पल पल परमेश्वर की निगाह के सामने है। हमारे उठना बैठना परमेश्वर सब कुछ जानता है। हम अपने दिल को, हम अपनी सोच विचार को किसी इंसान को नहीं दिखा सकते, किसी डॉक्टर को नहीं दिखा सकते, किसी वैज्ञानिक को नहीं दिखा सकते, अपने परिवार के जनों को नहीं दिखा सकते। पर याद रखिए, एक है जो आपकी सोच विचारों को देखने वाला है, एक है जो आपके मन के विचारों को जांचने वाला है, एक है जो आपके अंदर की गुप्त बातों को भी जानने वाला है। हालेलुया। वो है हमारा परमेश्वर यहोवा। उसका वचन कहता है कि सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपी हुई नहीं है। वन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्द हैं, यानी कि प्रकट है, उसकी आंखों के सामने कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हालेलुया। सो याद रखिए, जब भी एक इंसान पाप करता है, कोई गलती करता है, कोई गुनाह करता है, उसको उस गलती के समय जो अच्छा लगता है, उसको लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ इससे मुझे शांति मिल रही है। वो सोचता है जो मैं काम कर रहा हूँ इससे मुझे अच्छा लग रहा है। सो याद रखिए, एक इंसान जब गलती पे गलती करता जाता है, उसको गलती के काफ़ी अवसर, गलती के काफ़ी मौके उसके पास आते जाते हैं, यानी कि उसकी आंखों के सामने बहुत ही ऐसे काम आते जाते हैं, यानी कि शैतान की वो चलाकी में पूरी रीति से पड़ जाता है, शैतान की वो युक्ति में पूरी तरह से फंस जाता है। इसलिए अगर वो एक गलती करता है तो दूसरी गलती अपने आप ही उससे हो जाती है, अगर दूसरी गलती वो करता है तीसरी, कहता है कि मेरे पास अपने आप ही मेरे से हो जाती है, क्योंकि ऐसा इंसान जो है धीरे 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 पाप में बन जाता है, और पाप में पड़कर वो बड़े बड़े पाप भी करना शुरू कर देता है, और सोचता है कि मुझे कोई भी नहीं देख रहा, समझता है कि मुझे कोई भी इंसान नहीं देख रहा, मैं ही जो पाप कर रहा हूँ सिर्फ मुझे ही पता है, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं पता, मेरे परिवार के लोगों को नहीं पता, मेरे रिश्तेदारों को नहीं पता, मेरे गली मोहल्ले को नहीं पता। सो याद रखिए, एक है जिसको आपका सारा हाल पता है। हालेलुया। सो शिमशोन भी जब गलती में पड़ा, एक दिन में ही, एक टाइम में ही उसने गलती नहीं कर दी। सो जब वो दलीला के चक्कर में पड़ा तो धीरे 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 जो है गलती करने लगा। सो याद रखिए, वो एक ही दिन में अपनी गलती पूरी प्रॉपर नहीं कर पाया, बल्कि धीरे 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 व्यभिचार के चक्कर में पड़ता 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 बहुत ही आगे बढ़ गया, जिससे उसकी एक दिन सामर्थ भी चली गई, क्योंकि उसने पाप को अपने जीवन में अवसर दे दिया, दलीला को अपने जीवन में अवसर दे दिया, दलीला को अपने जीवन में आने का मौका दे दिया। और शैतान हर एक व्यक्ति के और हर एक विश्वासी के, हर एक मसीह के जीवन की कमी को बड़ी अच्छी रीति से जानता है। सो वचन कहता है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं कि उसका कोई भी दाव हम पर चल जाए। हालेलुया। सो जब हम गलती करते हैं, हमें लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, हमें शांति मिल रही है। कोई नशा करके कह रहा है मुझे शांति मिलती है, कोई व्यभिचार करके करता है कहता है कि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे शांति मिल रही, मुझे कोई भी इंसान नहीं देख रहा। पर याद रखिए, जिस समय कोई इंसान नहीं देखता, परमेश्वर उस समय खास आपको देखता होता है। हालेलुया। मान लीजिए किसी इंसान को शरीर के किसी भी अंग में खाज हो रही है, खुजली हो रही है, जिसको हम खराश भी कह देते हैं। अगर वो व्यक्ति किसी छोटी सी जगह पर जहाँ पर खाज हो रही है वहाँ पर अपने हाथों से खाश करे जाएगा, खुजली करे जाएगा, उसको उस समय क्या मिलेगा? आराम मिलेगा, चैन मिलेगा, शांति मिलेगी, यानी कि उसको मीठी 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 करके मज़ा सा आएगा कि मेरी खाज पे जो मैं खाज कर रहा हूँ मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे चैन मिल रहा है, मुझे आराम मिल रहा है। पर याद रखिए, मेडिकल साइट के लोग बड़े अच्छी रीति से जानते हैं, और इस बात को नॉर्मल लोग भी
कम पढ़े लिखे लोग भी बड़ी अच्छी रीति से जानते हैं, जब भी हमारे शरीर के किसी भी अंग में खाज होती है, खुजली होती है, अगर हम उस जगह पर खाज करते रहते हैं तो कुछ समय के बाद हम क्या देखते हैं, वहां पर जगह जो है लाल हो गई है, यानी कि उस जगह पर रेडिश पड़ गई है, यानी कि कई बार हम देखते हैं उस जगह पर दाने होने शुरू हो जाते हैं, कई बार हम देखते हैं कि उस जगह पर जख्म होना शुरू हो जाता है, कई बार हम देखते हैं कि उस जगह से ब्लड यानी कि खून भी निकलना शुरू हो जाता है। सो जब इंसान खुजली कर रहा होता है, उसको लगता है कि मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे को आराम मिल रहा है, चैन मिल रहा है, खुशी मिल रही है, शांति मेरे मन को मिल रही है, वो क्या करता है, खुजली करते 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 अपने शरीर के उस अंग पर इतना ज़्यादा अपने हाथों से ही इतना खराब कर लेता है कि उसके वहां से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, यानी कि जख्म होना शुरू हो जाता है। सो याद रखिए, उसी तरह पाप भी हमारे जीवन में है। जब हम गलती करते हैं, गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, तो पाप करते करते भी इंसान को अच्छा लगता है, वो धीरे 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 पाप करता करता इतना पाप में डूब जाता है, इतना अपने गुनाह में डूब जाता है कि वो उस खुजली की तरह बाद में महसूस करता है कि मैंने जो किया वो गलत किया। हालेलुया। सो वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखों के सामने कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। सो आप अपने परिवार वालों से छुपाएं, आप अपने बॉस से छुपाएं, पढ़ने वाले बच्चे अपने अध्यापक से छुपाएं, छुपाते भी हैं, पर याद रखिए परमेश्वर से आप कुछ भी छुपा नहीं सकते। सो वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर क्या है, पवित्र है, और वह बुरे कामों को, बुरी बातों को, बुरे लोगों को, यानी कि बुरे काम को, बुरी आदतों को देख ही नहीं सकता। जो खुद पवित्र होगा वो पवित्र ही चीजों को पसंद करेगा, जो खुद गलत इंसान होगा वो गलत इंसानों को पसंद करेगा। हालेलुया। सो वचन कहता है हमारा परमेश्वर क्या है, पवित्र है। सो वचन ये भी कहता है कि बुरे काम को वो देख ही नहीं सकता। अगर हम अबकू की किताब 1 अध्याय उसकी 13 आयत को पढ़ें, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं, वचन कहता है कि तेरी आंखें कैसी, ऐसी शुद्ध हैं, ऐसी पवित्र हैं, कि तू बुराई को देख नहीं सकता, कि तू बुराई को क्या है, बुरे कामों को, बुरी आदतों को, ऐसे गलत कामों को देख ही नहीं सकता, और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता, और पाप को, गलत कामों को, गलत बातों को, गलत लोगों को देखकर चुप रह ही नहीं सकता, फिर तू विश्वास खातियों को क्यों देखता रहता, फिर तू विश्वास पर की प्रॉब्लम होने की वजह से हम दोबारा से लाइक कर रहे हैं। सो हम बात कर रहे थे कि परमेश्वर की आंखें ऐसी शुद्ध हैं, हमारा यहोवा परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो बुराई को देख ही नहीं सकता। हालेलुया। हबक्कू की किताब 1 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा है, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख नहीं सकता, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। हालेलुया। जो इंसान, जो व्यक्ति, जो परमेश्वर खुद पवित्र हो, वो बुराई को, गलत कामों को, गलत लोगों को, गलत आदतों को देख ही नहीं सकता। हालेलुया। सो हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारा लेन देन, हमारी डीलिंग, हमारा उठना, हमारा बैठना, सब कुछ परमेश्वर के योग्य होना चाहिए, यानी कि परमेश्वर को खुश करने वाला होना चाहिए। अगर हम किसी से ठगी करते हैं, किसी मजदूर की मजदूरी को मार लेते हैं, किसी के हक को रख लेते हैं, हम सोचते हैं किसी को नहीं पता चलता, हम सोचते हैं कोई नहीं देखता, पर याद रखिए देखने वाला सब कुछ देखता है। जो आपके सारी जीवन शैली को देखता है, वो आपके व्यवहार को जो आप गरीबों के प्रति रखते हैं, वो आपकी डीलिंग को जो आप लोगों के प्रति रखते हैं, वो आपके व्यवहार को जो आप अपने परिवार के प्रति रखते हैं, सब कुछ देखता है। हालेलुया। परमेश्वर उन धर्मी लोगों को भी अच्छी रीति से देखता है जो परमेश्वर से डरने वाले हैं, परमेश्वर के वचन में बने रहने वाले हैं और बुराई से दूर रहने वाले हैं। परमेश्वर अपनी निगाहों को उन धर्मी लोगों के ऊपर भी विशेष रीति से बनाए रखता है ताकि परमेश्वर उनको हर प्रकार की सुख सुविधाएं दे सके। सुख सुविधाएं मतलब उनको अपनी शांति प्रदान कर सके, उनको खुशियां दे सके, उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। हालेलुया। सो परमेश्वर अपने धर्मी लोगों पर भी अपनी विशेष निगाह को लगा के रखता है। अगर हम पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 12 आयत में देखें, पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 12 आयत, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, क्योंकि प्रभु की आंखें किन के ऊपर लगी रहती है, धर्मियों के ऊपर लगी रहती हैं, और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, और उनके कान क्या है,
उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। प्रभु बुराई करने वाले लोगों के विमुख रहता है, यानी कि उनके विरोध में रहता है। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो, तेज रहो, आगे रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला कौन है? हालेलुया। असो अजीजों, ये जीवन हमारा नहीं है, ये जीवन उसी का दिया हुआ है। ये हम जो इस जगह पर रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, संसार में रहते हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं रह रहे। हालेलुया। जैसे एक किराएदार एक किसी घर में रह रहे होते हैं, वो अपने मकान मालिक के अंडर में होके रहना पड़ता है। यानी कि काफी किराएदार हमें ऐसे कुछ बोलते हैं कि हमें कुछ भी काम अगर करना होता है तो अपने मकान मालिक से पूछ कर ही करना पड़ता है। हालेलुया। सो उसी तरह से हम इस जगह पर हैं, इस संसार में हैं, इस दुनिया में हैं, हम भी एक किराए के मकान की जगह पर हैं। हालेलुया। ये जगह हमारी नहीं है। सो परमेश्वर ने हमें जिंदगी दी है। सो अगर हम उसको उसकी खुशी के मुताबिक गुजारेंगे, उसकी मर्जी के मुताबिक गुजारेंगे, तो वह परमेश्वर हमसे खुश होगा। हालेलुया। सो अभी समय है अपने आप को बदलने का। सो अभी समय है अपने कामों को सुधारने का, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि रात अब बहुत बीत चुकी है। हालेलुया। अगर हम रोमियो की किताब 3 अध्याय उसकी 12 आयत में देखें, रात बहुत बीत गई है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, और अभी दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर, इसलिए हम अंधकार के यानी कि उन दुष्ट के कामों को, उन शैतान के चक्रों में आके जो हमने काम कर रहे हैं, उन कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। ज्योति के हथियार क्या करें? यानी कि परमेश्वर के हथियार, यहोवा परमेश्वर जो हमारे ज्योति है। यीशु मसीह ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जो परमेश्वर जगत की ज्योति है, उसके क्या करें? हथियार को बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है, जैसा दिन को शोभा देता है, वैसा ही हम सीधी चाल चलें, वैसे ही हम सीधी चाल चलें। हालेलुया। सो अब क्या है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम उन दुष्ट के, अंधकार के, शैतान के सारे कामों को अपने जीवन से त्याग कर, छोड़ कर, उनको पूरी तरह से अपने जीवन से हटा कर ज्योति के हथियार यानी कि परमेश्वर के हथियार क्या करें? बांध ले, क्योंकि समय बहुत ही नजदीक है। जब पंजाबी कहते हैं समा बहुत ही नेड़े है। हालेलुया। सो समय बहुत नजदीक है, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के लिए अपने आप को और दूसरों को तैयार करना है। हालेलुया। पिछले हफ्ते एक छोटा सा अर्थक्वेक हुआ, यानी कि एक छोटा सा भूकंप आया। कितने ऐसे लोग समाज में, कितने दुनिया में ऐसे लोग, उसी समय उनको कौन आ गया? परमेश्वर याद आ गया। वैसे वो परमेश्वर को याद नहीं करते, वैसे वो परमेश्वर को खुश करके नहीं चलते, वैसे वो परमेश्वर का नाम लेना पसंद नहीं करते, पर एक छोटा सा भूकंप जो जम लिया। सो भी समय है अपने आप को बदलने का, अभी समय है अपने आप को सुधारने का। सो परमेश्वर की आमद नजदीक है, परमेश्वर का आना जो है बहुत ही नजदीक है। हालेलुया। सो इस समय हमने अपने आप में सुधार करना है, दूसरे लोगों का भी हमने सुधार करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी सृष्टि इसलिए की है, परमेश्वर ने हमारी रचना जो है इसलिए करी है कि हम इस धरती पर रहते हुए परमेश्वर के लिए फल लेकर आए। हालेलुया। रोमियो 13 अध्याय उसकी 12 आयत में देखिए क्या लिखा है, रात बहुत बीत गई है, रात बहुत अब क्या हो गई है? बीत गई है, और दिन निकलने पर है, और दिन क्या है? निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर, इसलिए हम अंधकार के, जो शैतान के, जो दुष्ट काम, दुष्ट के कामों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह से त्याग कर, पूरी तरह से छोड़ कर, उनको अपने जीवन से पूरी तरह से मिटा कर ज्योति के हथियार बांध लें। क्या करें? ज्योति के हथियार यानी कि परमेश्वर के हथियार को क्या कर लें? बांध लें, क्योंकि रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। हालेलुया। सो हमने ये अंतिम समय में क्या करना है? दुष्ट की जितनी भी हमारे अंदर आते हैं, शैतान की जितनी भी हमारे अंदर चलाकियां हैं, दुष्ट के जितने भी हमारे अंदर काम हैं, उन सारे कामों को क्या करना है? त्याग कर, हमने छोड़ करके ज्योति के हथियार, परमेश्वर के हथियार को क्या करना है? बांध लेना है। हालेलुया।
पिछले हफ्ते एक छोटा सा अर्थक्वेक हुआ, छोटा सा भूकंप आया, सबको प्रभु याद आ गया। हालेलुया। सिर्फ छोटे छोटे नन्हे मुन्हे बच्चों को छोड़कर तकरीबन सबने, बड़ों से लेकर बुजुर्गों तक, सबने रब को याद किया कि हे रब्बा कित्थे है तू, हे रब्बा बचाई सानू, हे रब्बा परिवार नू बचाई, हे रब्बा सब नू बचा लाया, हे रब्बा साडे बच्चियां नू बचाई। हालेलुया। जबकि सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे, सब दुनिया के लोग अपने अपने कामों में रुझे हुए थे, सो मशरूफ थे सब अपने अपने कामों में, किसी ने अच्छा कहा, बढ़िया कहा, मशरूफ थे सब अपने अपने कामों में, जरा सी धरती क्या हिली, सबको रब याद आ गया। हालेलुया। सो मुसीबत के समय हम रब याद करते हैं तो परमेश्वर हमें स्वार्थी कहता है। हालेलुया। नी स्वार्थों के परमेश्वर को याद करें, हर समय परमेश्वर को याद करें, हर वक्त परमेश्वर को याद करें, अपने कामों में, अपने दिनचर्या में परमेश्वर को याद रखें। ऐसा नहीं कि ये भूकंप आ गया तो हम परमेश्वर को याद कर लें, अगर सब कुछ स्मूथ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, हल्का फुल्का चल रहा है तो हम क्या करें, परमेश्वर को याद ही ना करें। वैसे अपने अपने कामों में मशरूफ रहती है दुनिया, मुसीबत के समय परमेश्वर को याद करती है दुनिया। सो परमेश्वर को मुसीबत के समय नहीं बल्कि हर समय में याद रखिए तो मुसीबत आएगी ही क्यों। हालेलुया। किसी को रब का नाम लेना अच्छा नहीं लगता, किसी को रब की बातें करना अच्छा नहीं लगता। सो जो कोई प्रभु का वचन सुन लेता है, जो कोई प्रभु का वचन मान लेता है, यानी कि जितनों ने भी प्रभु को ग्रहण किया हुआ है, जितनों ने प्रभु के वचनों पर विश्वास किया है, उनको भूकंपों से डरने की जरूरत क्या है। सो जब वचन में ये पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा होगा, भूकंप आएंगे, बाढ़े आएंगी, ऐसा ऐसा होगा, समाज का माहौल पूरी तरह से बदल जाएगा, एक दूसरे के प्रति हम क्या हो जाएंगे, इतना भयानक माहौल हो जाएगा, इतना एक दूसरे के प्रति नफरत हो जाएगी, तो हम आने वाली आपदा से, आने वाले माहौल से, आने वाले भूकंपों से डरते क्यों हैं। सो अभी तो चंद सेकंडों का भूकंप ने आकर परमेश्वर की याद में लोग डूब गए, परमेश्वर को याद करने लग गए। सो इससे भी बड़े बड़े भूकंप आएंगे जो सेकंडों के नहीं, कई कई मिनटों के, घंटों के होंगे। हालेलुया। तो फिर क्या होगा, हम कितनी देर परमेश्वर को पुकारेंगे। सो याद रहे, परमेश्वर को अगर पहले ही पुकार लें तो वो बढ़िया है, वो अच्छा है। परमेश्वर को पुकारेंगे तो हमें फिर डर नहीं लगेगा, भूकंप चाहे घंटों घंटों खड़ा रहे, हमें डर नहीं लगेगा। हालेलुया। सो मान लीजिए एक डॉक्टर ने किसी को बता दिया कि अगर आप कोविड का इंजेक्शन लगाते हैं या अन्य कोई भी इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद आपको बुखार होगा, उसके बाद आपको फीवर चढ़ेगा, इतने दिन तक फीवर चढ़ेगा, इतने इतने तक फीवर आपको चढ़ सकता है, तो जब हमको इंजेक्शन लगाने के बाद फीवर चढ़ गया तो क्या कोई चिंता करेगा? बिल्कुल चिंता नहीं करेगा, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही हिदायत दे रखी थी, डॉक्टर ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि आपको इंजेक्शन लगाने के इतने समय बाद इतनी देर तक बुखार रह सकता है। डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। सो जब पता है वचन में ये सब कुछ लिखा हुआ है कि ये सब होना ही होना है, भूकंप होने ही होने हैं, बाढ़े आनी ही आनी है, सो इतनी बड़ी बड़ी आपदाएं अभी तो आनी है, अभी तो ट्रेलर भी समझ लीजिए शुरू नहीं हुआ। सो वचन में लिखा है कि मन मन के ओले गिरेंगे। हालेलुया। तब संसार का क्या होगा, तब संसार किसको पुकारेगा, तब संसार परमेश्वर को याद करेगा, तो इंसान क्या है, स्वार्थी कहलाएगा। सो समय रहते, वक्त रहते अगर हम परमेश्वर को याद करें, परमेश्वर की पसंद का काम करें, जो परमेश्वर की आंखों में अच्छा है, परमेश्वर की दृष्टि में बढ़िया है, तो याद रखिए भूकंपों के समय, बाढ़ों के समय, मन मन के जब ओले गिरेंगे तब हमें डर नहीं लगेगा। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की तरफ अपनी निगाह को बढ़ा के रखेंगे, परमेश्वर के वचन की ओर अपने आप को लगा कर रखेंगे, तो हमें फिर डरने की, हमें घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। सो इंसान जब अपने अपने कामों में रुझा रहता है, वे सोचता है मुझे कोई नहीं देखता, मैं ही अपने कामों को देख रहा हूँ और कोई नहीं देखता। सो याद रखिए वचन में इस प्रकार से लिखा है, वह स्वर्ग में बैठा सबको देखता रहता है, एक एक को देखता रहता है। सो जो स्वर्ग में बैठा एक एक को देखता रहता है, तो यकीनन कीजिए आपके वो अच्छे कामों को भी अच्छी रीति से देखता है और आपके बुरे कामों को भी अच्छी रीति से देखता है। हालेलुया। सो पाप करते हुए, गलती करते हुए
और ऐसे कामों को करते हुए जो परमेश्वर की निगाह में घृणित हैं, परमेश्वर की निगाह में टेढ़े हैं, परमेश्वर की निगाह में ऐसे काम हैं जिसका परमेश्वर ने हिसाब किताब, जिसका परमेश्वर ने लेखा हमसे बहुत ही अलग तरीके से लेना है। सो उस समय हमें परमेश्वर को याद रखना चाहिए, मुझे कोई देखे चाहे ना देखे, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग, मेरे माँ बाप, मेरा बॉस, मेरा अध्यापक मुझे देखे चाहे ना देखे, पर वो देखने वाला जिसने हमें आंखें दी हैं, जिसने हमें हमारी आंखों की रचना की है, वो हमें जरूर देखता है। हालेलुया। सो अपना कोई भी काम करें, परमेश्वर को जरूर याद रखें कि वो मुझे देखता है। अच्छा काम कर रहे हैं, ये भी याद रखें कि परमेश्वर मुझे इसका फल जरूर देगा। अगर बुरा काम कर रहे हैं तो भी याद रखें कि परमेश्वर मुझे इस बुरे काम का फल जो है जरूर देगा। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बरकत दे, आपको खुशियां दे, आप परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ते चले जाएं, और हमेशा आप अपने दिलों में, अपने मनों में ये बात को बिठा करके रखने वाले बन जाएं कि मेरा परमेश्वर जिसकी मैं भक्ति करता हूँ, जिसकी मैं आराधना करता हूँ, जिसके मैं घर में जाता हूँ, जिसके नाम का मैं अपने आप को मसीह कहलाता हूँ, वो मुझे हमेशा देखता रहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम सज्जन अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सिरों को झुकाएंगे, बहने अपने सिरों को ढक लें। आइए हम लास्ट दुआ की ओर बढ़ेंगे। स्वर्गीय दयालु अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी स्तुति करते हैं। आप आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा हैं, जीवन की रोटी हैं। प्रभु तेरा शुक्रिया करते हैं आज के इस ऑनलाइन सर्विस पर, आपने आशीष ले ली, आपका धन्यवाद। खुदावन बेशक दुष्ट की ताकतों ने इस वचन को काफी बार खुदावन डिस्कनेक्ट कर दिया, खुदावन फिर भी हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे अंग संग्रह करके खुदावन आप अपने लोगों से बातचीत की है, आपने अपने लोगों को समझ बूझ दी है, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जितने भी तेरे बच्चों ने इस वचन को बड़ी गहराई से दिल से सुना है पिता परमेश्वर, उनके जीवनों में ये वचन 100 गुना करके फल लाने वाला बन जाए, और कोई भी दुष्ट की ताकत खुदावन इनको ऐसे कामों में न डाले खुदावन कि ये तेरे सामने घृणित काम करने पाए। और खुदावन जैसे आपका वचन बताता है कि आपकी आंखें सदैव अपने लोगों को देखती रहती है, अपनी प्रजा को देखती रहती है, खुदावन हमें हमेशा ऐसा फजल बख्श दे ताकि हमेशा हम याद रखें कि हमारा परमेश्वर हमेशा हमेशा हमें देखता रहता है, वो हमारे अच्छे कामों को, बुरे कामों को हमेशा देखता रहता है, हमारे अच्छे कामों का, हमारे बुरे कामों का वो एक दिन हमसे लेखा भी लेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आप स्वर्गीय परमेश्वर हैं और स्वर्ग में बैठे एक एक पर अपनी निगाह बना के रखते हैं, आपके इंसान की आंखें नहीं है कि आप एक ही तरफ देखते हैं, वचन कहता है कि आपकी आंखें सब स्थानों के ऊपर लगी रहती हैं। धन्यवाद प्रभु जी, प्रेटावर की जितनी भी संगति के लोग हमारे साथ जुड़े, पिता परमेश्वर उन सबों के लिए आशीष और बरकत मांगते हैं, सबके जीवनों में आज का सुना गया वचन 100 गुना करके फल लेकर आए, और शैतान की दुष्ट की सारी चालें खुदावन यीशु के नाम में इनके जीवन से कोसों दूर रहने पाए। धन्यवाद प्रभु जी, जितने भी लुधियाना की, पंजाब की, हिंदुस्तान की कलीसियाएं हैं पिता परमेश्वर, सबों पर तेरी आशीषों, तेरी बरकत मांगते हैं, एक एक पर अपना अनुग्रह, एक एक पर अपनी दया, एक एक पर अपनी कृपा बनाए रखें, सारे अपने दास दासियों को बहुतायत से अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करें, शैतान की चालें जितने भी तेरे लोगों के जीवन में कार्य करती हैं, जो तेरे वचन को सुनने से, मानने से, ग्रहण करने से रोकती हैं, ऐसी सारी चालों को खुदावन यीशु के नाम में रद्द कर देते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी लोग इस समय बीमारी की हालत में हैं, तकलीफ की हालत में हैं, परेशानी की हालत में हैं, चिंता की हालत में हैं, खुदावन आपकी आंखें सब पर लगी हुई हैं पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं एक एक पर आपने अपनी कृपा भरी दृष्टि बनाई है पिता परमेश्वर, एक एक बीमार के लिए दुआ करते हैं खुदावन यीशु के नाम में, यीशु के कोड़े खाने की मार के द्वारा एक एक पर अपना चंगा करने वाला सामर्थी हाथ बढ़ाकर छू करके चंगा भला कर दीजिए परमेश्वर, सब पर अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, रहम कीजिए, और सारे बीमार जितने भी सिर से लेकर पांव की तली तक बीमारी की हालत में है, बिस्तर में है पिता, यीशु के नाम में उन सबको चंगा भला कर दीजिए, और शैतान की चालें इनके जीवन से दूर रहने पाए, सारे परेशान लोग यीशु के नाम में उनके जीवन में शांति आ जाए पिता परमेश्वर, जिनके घर में बच्चों की आशीष नहीं, बच्चे की आशीष खुदा यीशु के नाम में आ जाए पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं
खुदा उन भाई बहनों के लिए जिनके लिए अच्छे रिश्ते नहीं मिल पाए, खुदा उन यीशु मसीह के नाम में उनके लिए अच्छे रिश्तों का प्रबंध कीजिए जो आपने स्वर्ग से उनके लिए जोड़कर रखा है पिता, वही खुदावन लाइफ पार्टनर उनको मिलने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन ड्यूटियां करते हैं सफर में है पिता, उन सबों पर तेरी आशीष और तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम हाथ मांगते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन पर भी तेरी आशीष मांगते हैं, तेरी इच्छा तेरी मर्जी के मुताबिक उस सारा उनका मसला हल हो जाए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी खुदा तेरी इच्छा के मुताबिक उनको फैसला सुनाने पाए, उनका मसला हल करने पाए। सारे खुदा मंत्रियों पर तेरे बेटे सुखी बरकत और आशीष मांगते हैं, उनको अपने वचन के द्वारा सद्बुद्धि ज्ञान दीजिए ताकि पिता परमेश्वर वो तेरी सद्बुद्धि तेरा ज्ञान प्राप्त करते हुए खुदावंद इस देश को चलाने वाले बन जाए। परमेश्वर दुआ करते हैं हो खुदावन, एक एक पर तेरी आशीष और तेरी बरकत और तेरी शांति मांगते हैं पिता परमेश्वर। समाज में जितना भी खुदावन नशेबाजी बढ़ गई है, सारे नशेड़ियों को बुद्धि अकल समझबूझ का आत्मा दीजिए पिता परमेश्वर। नशे का आत्मा हमारे पूरे पंजाब से पूरे इंडिया से खुदावन यीशु के नाम में खत्म होने पाए पिता परमेश्वर, और नशा करने वाले भाई बहन अच्छे ढंग से जान जाए कि नशा करने से हमारे परिवार का नुकसान होता है, हमारे पैसे का नुकसान होता है, और सबसे बढ़कर जो परमेश्वर ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है उस शरीर का नुकसान होता है पिता परमेश्वर। उन सारे नशे वाली आत्मा को खुदा यीशु के नाम में हमारे पूरे देश से, हमारे पूरे पंजाब से, लुधियाना से पूरी तरह से खत्म कर दीजिए पिता परमेश्वर। अपना पवित्र, अपना सामर्थ्य, अपना अनुग्रह वाला हाथ अपने लोगों के ऊपर बढ़ाएं। धन्यवाद प्रभु जी, प्रेटावक की सारी संगति को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। जितने भी दूसरे भाई बहन ऑनलाइन सर्विस में हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबों के लिए भी तेरी कृपा, तेरी आशीष, तेरी कर मांगते हैं। जितने भी प्रार्थना के विषय कोई खास लेकर बैठा है पिता परमेश्वर, बड़े विश्वास के साथ लेकर बैठा है, उनके प्रार्थना के विषय पर आप ध्यान धरते हुए उनको आशीष दीजिए खुदा, उनको चंगा वाला करे, उनकी सारी जरूरतों को पूरा करे। धन्यवाद प्रभु जी, पढ़ने वाले सारे बच्चों को तेरी आशीष मांगते हैं। कितने 8-9 महीने उनके खराब हो गए पिता परमेश्वर पढ़ाई के बिना, आप इन अंतिम खुदावन जो इस सेशन का अंतिम महीना चल रहा है पिता परमेश्वर, उन सारे बच्चों को सद्बुद्धि ज्ञान दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो सारे के सारे बच्चे स्टडी में फिर से पहले की तरह होशियार बन जाए, और आने वाले दिनों में सारे बच्चों के एग्जाम बड़े अच्छे ढंग से हो जाए, बड़े अच्छे ढंग से सभी बच्चों का रिजल्ट आने पाए। तेरी कृपा, तेरी दया तेरे लोगों के ऊपर मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, हमारी वर्शिप टीम को, मीडिया टीम को अपने पवित्र सामर्थ्यों में लेकर चलाएं, और ज्यादा प्रेटाव के सारे सेवा दौरों पर तेरी आशीष, तेरी कृपा, तेरी दया मांगते हैं। एक जन पर अपनी आशीष बनाए रखें, सबके घरों में, परिवारों में सुख शांति बना के रखें। उनका आपके घर में सेवा करना, उनके परिवारों के लिए, उनके खानदानों के लिए, उनके जीवनों के लिए बड़ी बरकत का, आशीष का वसीला बन जाए। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम लेकर मांगते हैं पिता, आमेन। तो परमेश्वर की शांति आप सबों के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहे। जय मसीह।